भागलपुर के कहलगांव सनोखर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया, जिसमें युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बांका अमरपुर के गुरगामा के निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि युवक एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए रात में आया था। इसी दौरान ग्रामीण उन्हें पकड़ लिया और लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। महिला शादीशुदा है और 3 बच्चे की माँ है, जबकि युवक अविवाहित था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों ने उस युवक को चोट समझकर पीटा, लेकिन उसके पति ने बताया कि इस युवक से मेरी पत्नी का अवैध संबंध था। वहीं पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। अभी कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़के थे, एक की डेथ हो गई थी, एक घायल था। अभी क्योंकि हम लोग काफी देर से मीटिंग में थे, अभी अपडेट लेते हैं इसके बाद में कि क्या कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ गाँव वालों का कहना था कि चोरी करने के लिए घुसे थे। मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना था कि वहाँ किसी महिला से संबंध था, इस कारण से गए थे। उसमें जल्दी हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और डिटेल जानकारी लेकर। नीतीश कुमार, पिता का नाम मदन कृष्ण, घर कहाँ है? गुरगामा। थाना? अमरपुर। जिला? बांका। तो जो है महिला से पहले बातचीत करता था ये? नहीं, तो महिला से बात नहीं करते थे। तो महिला से बात नहीं करते थे। तो तुम लोग के साथ क्या बजे घटना घटा है रात में? दो बजे। तो तुम लोग कौन सी से आया था यहाँ से? लेकर भागलपुर से आया ट्रेन से। इसके पास मोबाइल बात पहले होता था उससे महिला से? क्या नहीं, उससे बात नहीं होता। तो डायरेक्टर कैसे पहुँच गया घर वो? ऐसा कुछ बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बांदर कुमार। पिता का नाम? नंदी हरिया। तुम इसका कौन हो? इसका मेरा मतलब इसी गाँव ही का है भाई। तो तुम इसके साथ ही रहते हो? हाँ। क्या करते हो तुम? इसके साथ रहते थे। इसका शादी हुआ था लड़का का? जेल पे था। इसका शादी हो गया था जो नहीं हुआ था। भागलपुर के कहलगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल की जीत की जश्न में राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। जीत की खुशी इतनी थी कि नेताजी हाथ में राइफल लेकर दनादन कई राउंड फायरिंग कर दिए, जबकि सामने में भीड़ खड़ी देखी जा सकती है। अगर थोड़ी सी चूक होती तो किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन जीत का जश्न ऐसा कि किसी की परवाह ही नहीं। वहीं वीडियो सामने आने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर सीनियर SP बाबूराम ने कहा की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस को मामले की छानबीन का आदेश दे दिया गया है। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि कहलगांव थाना अंतर्गत एक प्रत्याशी फायरिंग करते हुए एक वीडियो में दिखाए गए हैं। उस पर कार्रवाई करने के लिए, पता लगाने के लिए थाना को निर्देश रात में ही दिया गया था। उस पर भी अभी अपडेट लेंगे थोड़ी देर में। नगर निगम भागलपुर चुनाव के मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उप महापौर के प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह जल निकल कर देर शाम तक अधिक से अधिक मतदाताओं तक वो पहुंचना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें अपने वादों इरादों से अवगत करा सके। इसी सिलसिले में उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार लगातार क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से मिलकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। संतोष कुमार के साथ उनके समर्थक भी चल रहे हैं, जो लोगों से मिलकर संतोष कुमार के विजन को लोगों को बताकर संतोष कुमार की चुनाव चिन्ह पानी का जहाज, जो कि EVM के क्रमांक 8 पर है, पर मत डालने की अपील कर रहे हैं। आज उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने कंपनी बाग, बागबाड़ी, आदमपुर, आनंद नगर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बाल्टी कारखाना, बागबाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क चलाया, साथ ही कई जगह पर सभा का भी आयोजन किया। उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने बताया कि वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिलता नजर आ रहा है। अगर जनता ने मौका दिया तो वो उप महापौर के पद पर आते हैं, तो तमाम रुके कार्यों को जल्द जल्द पूरा करते हुए नए विकास कार्यों की रूपरेखा बनाकर उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। भागलपुर में नगर निगम के चुनाव में पहली बार मेयर और उपमेयर को जनता डायरेक्ट चुनने वाली है। इस कारण जनता में जहां उत्साह है, वहीं दूसरी ओर मेयर और उपमेयर प्रत्याशियों के बीच जनता तक हर घर पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। सभी प्रत्याशी तड़के सुबह से लेकर देर शाम तक क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और अपने मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान वो मतदाताओं का मन भी टटोल रहे हैं, साथ ही उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। चुनावी समर में जहां कुछ पुराने चेहरे हैं, वहीं इस बार नए चेहरों की भरमार
है। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो पहली बार चुनावी राजनीति में आ रहे हैं, वो सभी लोग अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचना चाह रहे हैं। वहीं मतदाता भी चाहते हैं कि वोट देने से पहले वो प्रत्याशियों से सवाल कर सके, प्रत्याशी उसके लिए क्या करेंगे, जिसके आधार पर मतदाता मतदान करने का अपना निर्णय लेंगे। भागलपुर में मेरठ पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल काफी पहले से क्षेत्र में घूम रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं, साथ ही उनके पास जाकर अपने विजन और चुनावी वादों से जनता को रूबरू करा रही हैं। जनसंपर्क के दौरान वो मतदाताओं की समस्याओं से भी अवगत हो रही हैं। जहां शुरुआती दिन में वसुंधरा लाल को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, अब लगातार क्षेत्र में घूमने के बाद मतदाताओं के बीच वसुंधरा लाल को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोग मिलकर उनको रोकते हैं और उन्हें अपनी समस्या बता रहे हैं। आज जनसंपर्क के क्रम में डॉक्टर वसुंधरा लाल सुरलोक कॉलोनी, चंद्रलोक कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, चंपानगर के कई क्षेत्र, बीकानपुर के कई इलाकों में गहनता से घूमी। उन्हें जनता से मिल रहे प्रेम और उत्साह को देखते हुए प्रत्याशी वसुंधरा लाल भी उत्साहित दिख रही हैं। उन्होंने चुनाव को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसको वह मतदाताओं को बता रही हैं। मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब उन्हें मतदाताओं का काफी सहयोग मिल रहा है, मतदाता उनके प्रति उत्साहित हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि 28 तारीख को मतदाता उनके पक्ष में ही वोट करेंगे और उन्हें इस शहर का मेयर बनाएंगे, ताकि मेयर बनने के बाद वो लोगों की सारी समस्याओं को एक एक कर हल कर सके और जो चुनावी वादे वो कर रही हैं उसको भी वह ससमय पूरा कर लेंगी। वहीं दोपहर के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल कचहरी चौक पहुंची और वहां एक एक कर अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से मिली और अपने विजन से उन लोगों को अवगत कराया, साथ ही अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। ये नाथनगर चंपानगर का क्षेत्र है, जहां पर की जो है आज जो है वोटर जो है एक तरफ से ये सोचने के लिए बाध्य हो गया है कि भाई हमको जो है इस बार का जो है मेयर, चूंकि जनता के द्वारा चुनना है, पहली बार सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि भाई जनता के द्वारा वोट होगा। जनता बहुत ही कॉशस रूप से जो है ये देख रहा है कि अब ये स्मार्ट सिटी भागलपुर बनना है, तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट कोई जो है मेयर हमारे यहाँ हो, इसलिए लोग जनता जो है एक तरफ से जो लब्बैक होकर के एक तरफ जो है गोलबंद हो रही है। और हमको लग रहा है कि जो है पढ़ा लिखा जानकार और शिक्षाविद जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो कि सबका साथ दे सकता है, उसके लिए लोग जो है अपना जो है प्रोलाइज हो रहे हैं और हमको लगता है कि धीरे धीरे जो है माहौल बहुत खूबसूरत बनता चला जा रहा है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर वसुंधरा देवी के प्रति जो है लोगों का रुझान जो है बन रहा है और हमको लगता है आने वाला समय बहुत अच्छा जो है फीडबैक नाथनगर से मिलेगा। नाथनगर चंपानगर एक साइड से जो है उनके प्रति जो है और हम लोग जो है चारों तरफ से उनको आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो निश्चित रूप से जीत करके आए, पढ़ी लिखी जो है एक नेक उम्मीदवार आ जाए तो भागलपुर नगर निगम का जो है विकास होने का जो है संभावना बढ़ेगा। बहुत नंबर 7, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6, चारों तरफ नाथनगर जितना भी क्षेत्र है हर जगह इनका समर्थन है। इनकी योग्यता के अनुसार इनके प्रभाव से जितने भी लोग यही कहते हैं कि नहीं इन्हें ही हम लोग वोट देंगे और निश्चित है कि ये इस बार अवश्य जीतेगी। कुछ क्या बात हुई तो बोल रहे समाज में जो विकास होगा वो करेंगे, क्या वादा करके गई हैं अभी? इसका तो पक्का वचन है और हम लोग भी निभाएंगे अच्छे तरीके से और पूरा समाज का मदद भी करेंगे। जो भी घोषणाएं हमने किया है, जो भी घोषणा पत्र में लिखी हुई है, उसका मैं 100% पालन करूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश मैं जरूर करूंगी। हम तो अभी सुबह से सूर्यलोक कॉलोनी, चंद्रलोक कॉलोनी, पूरा बागबाड़ी उधर घूम के आ रही हूं। इधर मैं 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड सब कवर करके अभी जा रही हूं। लोगों का मुझे तो भरपूर समर्थन मिल रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैडम आप ही आ रही हैं और आप ही में हमको भरोसा है और आपको ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोगों के मुंह से एक ही आवाज़ आ रही है कि मैडम आप ही आ रही हैं। तो मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए कि आप पूरी मेहनत और लगन से अभी हमको इस पद पर बैठाएं। जनता का कुछ लोगों का कहना है कि अभी तो मैडम घूम रही है गली गली, जीतने के बाद क्या आई कि नहीं आएगी फिर से? मैं उनको भरोसा दिला रही हूँ कि मैं जरूर आऊँगी, मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। 5 साल का वक्त बहुत वक्त होता है और मेरा ये भागलपुर टाउन 5 साल के लिए बहुत है। मैं हर वार्ड में घूम करके देखूंगी कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और जहाँ पे नहीं हो रहा है मैं उसको अच्छे से सुचारू रूप से करवाऊंगी। समय तो सबके पास है, वो चाहने पर निर्भर करता है कि आप कितना समय किसको देती हूँ। प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है, जिसकी प्रायोरिटी जितना ज़्यादा होगी मैं उसको उतना समय दूंगी। और कोई अच्छे कार्य करने के लिए बहुत समय की ज़रूरत नहीं होती है, आपका विजन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। लोग आपको भरोसा करें इस बार?
बिल्कुल भरोसा करें, मैं उनको विश्वास दिलाती हूं कि आपके भरोसे पर मैं खड़ी उतरूंगी। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना को लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जातिगत जनगणना करने वाले ट्रेनर को कई दिशा निर्देश दिए गए। आज की ट्रेनिंग में जगदीशपुर, सबौर, गोराडीह सहित हबीबपुर के ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ये बताया गया कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद सरकार की ओर से कई योजनाएं आ सकती है, जिसको देखते हुए अच्छे तरीके से हर एक घर जाकर जातिगत जनगणना करना है, जिसमें कहीं से भी कोई त्रुटि न जाए। वहीं जिलाधिकारी ने ट्रेनरों को निर्देश दिया कि एक जगह बैठकर जनगणना नहीं करना है, हर एक घर में जाकर जातिगत जनगणना का सही तरीके से पूरा करना है। भागलपुर के जीरो माइल स्थित रेशम भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के GM संजय कुमार वर्मा सहित सभी बैंक के प्रबंधक मौजूद थे। सबसे पहले जिलाधिकारी ने रेशम केंद्र में नए उद्यमियों के द्वारा लगाए गए उनके उत्पादन के स्टॉल को देखा और उनके उत्पादन की जानकारी लेते हुए सभी नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। उसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी, उद्योग विभाग के GM और सभी बैंक के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। GM संजय कुमार वर्मा ने DM सुब्रत सेन को अंगवस्त्र, पौधा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों से स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने को लेकर, नए उद्यमियों को सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सहायता को समय से मुहैया कराए जाने और बैंक द्वारा हर संभव मदद उद्यमियों को कराए जाने का दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने नए उद्यमियों को सरकार के द्वारा सहायता दिए जाने का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया, जबकि बिहार सरकार द्वारा दिए गए 10 लाख रुपए सहायता राशि से काम प्रारंभ कर अच्छा काम कर रहे उद्यमियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग के द्वारा पूरे बिहार में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से देसी शराब के साथ 3 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। तीनों लोग गैलन में लेकर शराब बेचने का काम करते थे, वहीं 40 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई। गिरफ्तारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम तीनों गिरफ्तार लोगों से सघन पूछताछ कर रही है और इस धंधे में लगे अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। ये आज अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विशेष अभियान छापामारी की चल रही है। सुबह से हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है जगदीशपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 3 व्यक्तियों को जो है किन्नवित तारी और चुलाई शराब बेचने और ले जाने के क्रम में उनको गिरफ्तार किया। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी पुल निर्माण कार्य को लेकर कोलगामा गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंडरपास की मांग को लेकर जनाजे को रखते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलगामा प्रखंड के मुस्लिम समुदाय के समाज सेवी मोहम्मद राजू या मोहम्मद सोएब ने बताया कि अगवानी पुल निर्माण कार्य हमारे कोलगाम गाँव के समीप रोड निर्माण हो रहा है। हमारे कोलगामा गाँव के लोगों का जनाजा कोलगामा कब्रिस्तान में दफन होता है। अंडरपास नहीं रहने पर हम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होगी, साथ ही कोलगामा गाँव के महादली टोला के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके लिए जिला पदाधिकारी एवं अगवानी पुल निर्माण कार्य के पदाधिकारी के कहने के बावजूद अंडरपास नहीं बनाने पर हंगामा हुआ, प्रदर्शन किया गया। दफनाते हैं मैयत को, हम अपने जो मैयत को जो दफनाते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं। उस कब्रिस्तान में जाने का यही एक मार्ग है, रास्ता है, जिसको कि ये रोड बनने के बाद क्लोज हो रहा है। तो हमारा कहना था कि 15-20 फीट का कम से कम जाने का एक रास्ता छोटा सा अंडरपास दे दिया जाता तो इससे हम लोगों को मैयत ले जाने में आसानी होता, क्योंकि मैयत को कोई गोदी में लेके नहीं जाता है। अगर कल जो है जाम हो जाता है, ये रोड कंजेस्टेड हो जाता है, तो हम मैयत किधर से ले जाएंगे? आप लोग क्या किए इसके लिए? जी, इसके लिए हम DM साहब का माने आवेदन दिए थे, कमिश्नर साहब का आवेदन दिए थे, जिसका कि जांच भी यहाँ आया हुआ था, जिसका जांच 1.5-2 साल पहले आया हुआ था। उसके बाद इस पर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। अभी देखते हैं कि फिर मिट्टी भरपाई हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि ये 1000 की आबादी है, मुस्लिम हम लोग मुस्लिम लोग हैं, जिसका जनाजा वगैरह जाने का रास्ता यही है। ये अगवानी पुल बन रही है, हम लोग एक कन्वर्ट मांगना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग का जनाजा का नमाज वगैरह, और देखते हैं यहाँ बाजू में हरिजन टोला है, इन लोगों का भी आने जाने का रास्ता नहीं है। ये बाढ़ पीड़ित का निकास, बाढ़ पीड़ित का एरिया है और स्कूल है, वहाँ बच्चे लोग आते हैं, तो हम लोग को एक तो कन्वर्ट मिल जाता तो जिसकी वजह से समाज के अंदर जनाजा जाए, बच्चे लोग स्कूल जाएँ। तो
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गई। इन लोगों के हॉस्टल की चारदीवारी नहीं होने के साथ आए दिन असामाजिक तत्व और बदमाश हॉस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी चोरी की घटना हुई थी, साथ ही कई मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी की जर्जर व्यवस्था से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर लगभग 20 से 25 की संख्या में छात्राएं कुलपति से मिलने पहुंची, साथ ही प्रशासनिक भवन के गेट को बंद कर जमकर विरोध किया। स्कूल में हम लोग को सेफ्टी चाहिए क्योंकि हम लोग के पीछे का पूरा चार दीवारी टूटा हुआ है और हम लोग के 13 तारीख को जो है रात में 2:30 बजे 5-6 बदमाश घुस गए थे हॉस्टल में और हॉस्टल के छत पर थे। सर हमको सेफ्टी चाहिए हर एक चीज से, बिल्कुल सर, बस मेन सुरक्षा, रहने का सुरक्षा, हमको कोई समस्या नहीं है और कोई समस्या, हम लोग को बस सेफ्टी चाहिए। और हम लोग यहाँ एक सप्ताह से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं आते हैं हम लोग के यहाँ पे देखने तक के लिए कोई नहीं जाते हैं और इंजीनियर के नाम पे बालू वाले को भेज दिया जाता है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में चेस एसोसिएशन की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शतरंज एसोसिएशन से जुड़े लोग और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिले में पिछले 7 सालों में चेस एसोसिएशन निष्क्रिय हो चुका था जिस कारण इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही थी और स्टेट स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रतियोगिता में यहाँ के बच्चे भाग नहीं ले पा रहे थे, जिसको लेकर इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के द्वारा बैठक की गई और नई कमेटी का गठन किया गया जिसमें शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं इस खेल को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से कार्य किए जाने हैं इसको लेकर भी चर्चा की गई। विश्वबंधु उपाध्याय ने आपको बताया कि चेस विगत कई वर्षों से यहाँ निष्क्रिय है तो कई मंथ से इनके कुछ मेंबर हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि आप आगे आइए, जबकि मैं नकार रहा था कि मैं चेस का प्लेयर नहीं हूँ। ऐसे हमारे घर से कई अच्छे खिलाड़ी हैं और थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह जरूरी नहीं है, हम लोगों के बायलॉज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई खिलाड़ी ही हो। आप का हम लोग सामाजिक कार्य देख रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में चेस आगे बढ़ेगा और यहाँ हम लोग बेहतर चेस का प्रदर्शन कर पाएंगे और बिहार में ही देश में अपना परचम लहरा पाएंगे। तो अंततः हमें उनका बात स्वीकारना पड़ा और मैं कोशिश करूँगा कि चेस को हम भागलपुर स्तर पर इन पूरे जो बैठक में हैं और जो अभी बैठक में नहीं आए हैं उनके तमाम लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे कि चेस में भागलपुर उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और बिहार ही नहीं देश में अपना परचम लहराए। से शतरंज से संबंधित हूं और मैं विगत 15 वर्षों से शतरंज खेल रहा हूं। आज हम सभी शतरंज प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शतरंज के खिलाड़ी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो संघ हमारा विगत 7 वर्षों से निष्क्रिय है उसको फिर से सक्रिय बनाया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको शतरंज के भविष्य में आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम लोग बैठे हैं, आम सहमति के रूप में संघ का एक निर्माण हो सके, उसमें अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए इत्यादि पदों पर भी हम लोग अभी सहमति से चुनाव करेंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भागलपुर की मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं की छात्राओं का विदाई सम्मान समारोह मनाया गया जिसमें स्कूल के सभी शिक्षकों कर्मचारियों के द्वारा 12वीं की छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। छात्राओं ने भी प्राचार्य सहित शिक्षकों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान 12वीं की छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने नृत्य पेश किया।